दोस्तों अग्निपथ योजना को लेकर पूरे भारत में दिल्ली से बिहार तक युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या है ये अग्निपथ योजना और ये काम कैसे करेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना में भर्ती को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती होगी। ये सैनिक होंगे लेकिन इनका रैंक अभी के मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये अग्निवीर कहलाएंगे। अग्निवीर भर्ती लाइन में वही लोग लग पाएंगे जिनकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होगी। उनकी ट्रेनिंग मौजूदा रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटरों में ही होगी। भर्ती के बाद फौजी की जरूरत के हिसाब से अग्निवीरों को कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। ये अग्निवीर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 4 साल के लिए रहेंगे। अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन नेवी में महिलाएं भी अग्निवीर बन पाएगी। अब तक इंडियन नेवी में महिलाएं सिर्फ ऑफिसर रैंक में ही थी लेकिन इस योजना के तहत महिलाएं अब सेलर रैंक में भी शामिल होगी। आइए समझते हैं अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती किए गए सैनिकों का सैलरी स्केल क्या होगा। अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपए मासिक सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,000 और चौथे साल 40,000 रुपए मासिक सैलरी मिलेगी। इसमें हर महीने सैलरी से 30% अमाउंट कटेगा। 4 साल में यह रकम 11,70,000 रुपए हो जाएगी जो रिटायरमेंट के वक्त सैनिकों को दिया जाएगा। इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। 4 साल की सर्विस पूरी होने के बाद अग्निवीर जब रिटायर होंगे तो ये किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होंगे। 4 साल पूरे होने के बाद इनमें से मैक्सिमम 25% सैनिकों को परमानेंट के तौर पर सेना ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।